train just left this town. While I'm slowly heading back to my apartment, I'm not asking for your thoughts. I'm just thinking out loud in the darkness. Assalamu alaikum ji, welcome back. Kya hal chaal hai aap sabke? To abhi subah ka time hai और मैं अभी नाश्ता बनाने लगी हूँ, तो आज मैं ओट्स बना रही हूँ नाश्ते में। और ये खजूर मैं लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ओट्स बनाती हूँ ना, तो मुझे खजूर बहुत पसंद है। इसके साथ मुझे बेरीज, स्ट्रॉबेरीज़, ये चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आजकल जो है ना वो मैं खजूर डाल देती हूँ। वेदर काफ़ी चेंज हो गया है यहाँ पे, तो इस वजह से गर्म ओट्स खाती हूँ मैं। वैसे भी गर्मियों और सर्दियों मुझे गर्म ओट्स अच्छे लगते हैं। अच्छा, मुझे लास्ट टाइम भी कमेंट्स आए थे आप किस तरह से बनाती हैं। तो पहले तो मैं पैन में बनाती थी, हल्का सा बॉयल कर लेती थी या गरम दूध डाल देती थी। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं ओट्स लेती हूँ, इसमें मैं गरम पानी केटल में करके थोड़ा सा डाल देती हूँ, फिर थोड़ा सा ओवन में रखती हूँ, फिर मैं दूध ऐड कर देती हूँ और फिर एक बार ओवन में रखती हूँ। इस वजह से रखती हूँ कि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि ये टेबल तक ले जाते हुए या खाते हुए जो है ना वो ठंडे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको ओवन में गर्म करती हूँ। अच्छा, पानी अगर आप ज़्यादा डालते हैं, दूध आप थोड़ा सा डालते हैं, तो इस तरह से आपको हैवी नहीं लगते, अच्छे भी बहुत लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं इस तरह से। तो मैं इस तरह बनाती हूँ, माशाल्लाह से उस्मान भी बहुत शौक से खाते हैं। तो ये देखें जी, मैं थोड़े से ज़रा अपने वाटरी टाइप के बनाती हूँ, उस्मान थोड़े से थिक खाते हैं। और ये मैं डालती हूँ अपने ओट्स में, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वैसे कॉफ़ी में, ड्रिंक्स में ऐड किया जाता है, लेकिन मैं ओट्स में डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। अच्छा जी, तो खैर ड्राई फ्रूट भी मैं डाल देती हूँ कभी कभी जब मेरे पास रखे होते हैं। अभी मैं इंशाल्लाह ताला जाऊंगी लेकर आऊंगी, बिल्कुल ख़त्म हुए हुए हैं। तो ये बस था हमारा आज का नाश्ता। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मरियम आप पूरी रेसिपी बताएं। एक्चुअली मैं पहले बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इस वजह से मैंने पूरी रेसिपी तो आपके साथ शेयर नहीं की यहाँ पर, लेकिन ये है कि मैंने कहा चले मैं आज आपके साथ ये शेयर कर दूँ। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से चाय भी रेडी हो गई है और अब मैं इनको कप्स में डाल रही हूँ और बस अभी हम गर्मा गर्म सा नाश्ता करेंगे। और ये नाश्ता जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं जॉब करती थी ना तब हम बहुत ज़्यादा शौक से खाते थे और टाइम भी नहीं होता था सुबह सुबह। तो आजकल भी हम लोग ये जो है ना काफ़ी टाइम के बाद अब फिर से ये वाला नाश्ता बहुत इंजॉय करने लग गए हैं। अच्छा जी, तो एक रात पहले कल का व्लॉग अगर आपने देखा हो तो हमने चिकन काटा था, बिरयानी बनाई थी, तो आज बिरयानी रखी हुई थी। और ये वही रात है, खाना शाना खा के फिर मैंने टिक्के बनाने थे, तो मैं मैरिनेट कर रही हूँ, मसाला लगा रही हूँ। मैंने लहसुन पाउडर लिया है, टिक्का मसाला एक टीस्पून लिया है भर के लिया मैंने, नमक ऐड कर रही हूँ इसमें, मैं बेसिक मसाले जितने होते हैं सारे वो भी ऐड करूँगी, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। और ये इतने मज़े के बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं, आप ये रेसिपी पूरी देखिएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। अच्छा, फूड कलर थोड़ा सा रखा हुआ था जो मैंने बिरयानी के लिए पानी में घोला था ना, तो वो मैंने ऐड कर दिया। वैसे मैं थोड़ा सा ऐड करती भी हूँ, लेकिन अभी ये रखा हुआ था बिरयानी वाला, बिरयानी हमने अभी खाई थी, खाना शाना खा के चीज़ें समेट के, तो अब मैं जो है ना वो ये मैरिनेशन करने लगी हूँ चिकन की। अच्छा, थोड़ा सा मैंने ऑयल भी डाल दिया है और इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी। और चिकन जो है ना वो उस्मान ने सारा साफ किया, काटा, और मैंने उनको कहा कट्स आप लगा दें, बस मैं वॉश करके ड्राई करके और मसाला लगा के ओवरनाइट रख दूंगी। जितना भी आप चिकन को ज़्यादा मैरिनेट करने के लिए रखते हैं ना, जितना टाइम आप ज़्यादा देते हैं, उतना ये बहुत ही मज़े का, टेंडर, जूसी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैरिनेशन आप जब भी करें, कोशिश करें कि आप एयर टाइट जार में या एयर टाइट कंटेनर में रखें, कोई भी आप चीज़ यूज़ करते हैं, उससे ये होता है कि इसकी जो स्मेल होती है ना वो काफ़ी शार्प होती है, और फ्रिज की भी कोई ना कोई स्मेल होती है तो वो इसमें आ जाती है। तो एयर टाइट आप जब बंद करके रखेंगे ना, तो ये फिर बहुत अच्छा मैरिनेट होता है, इसको हवा भी ज़्यादा नहीं लगती, ड्राई भी नहीं होता, और बड़ा मज़े का टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। तो ये देखें जी, बस इसको मैं अब बंद करके और मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो मैं वीडियो इकट्ठी ऐड इसलिए कर रही हूँ कि फिर कन्फ्यूजन ना हो और ये एक ही साथ में आपके साथ शेयर करूँ। कोशिश कीजिएगा मसाला ज़ाया ना हो सारा, इसको अच्छी तरह से मैं यहाँ पे ना साफ करके बोल को और मैं बस इसको अब बंद करके और फ्रिज में रख दूंगी।
अच्छा आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि बहुत मज़े के बने थे। ये देखें जी, बस ये मैंने फ्रिज में रख दिया था और अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से ये बनाए थे। अच्छा मैंने जो ये मल्टी कुकर लिया ना, तो इसका फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है। आज मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा ये कि मैं आपके साथ एयर फ्रायर के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी मुझे रिक्वेस्ट भी आती हैं कि आप एयर फ्रायर की रेसिपीज़ जब बनाती हैं तो हमारे साथ शेयर किया करें, तो अब मैं आपके साथ ना ये भी साथ साथ शेयर कर दिया करूँगी। और बहुत सारे कमेंट्स अभी भी इसलिए आते हैं कि कन्फ्यूजन्स अभी भी काफ़ी हैं। आई नो बहुत सारे घरों में यूज़ होता है और बहुत सारे लोग स्टिल कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम लें कि ना लें, इन्वेस्ट करें ना करें। तो मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया कि चीज़ें जो है ना, आप उनको बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं रोटी मेकर करती हूँ, ये छोटा वाला कुकर अभी आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैं दो चीज़ें इकट्ठी बनाऊँगी, और उसके अलावा एयर फ्रायर है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अप्लाइंसेज होती हैं जिनको आप बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो अपने आप को किसी भी चीज़ पे बाउंड ना किया करें कि बस इसीलिए हमने यूज़ करना है या इसके अलावा और कौन सा यूज़ है। तो चीज़ें बहुत से तरीक़ों से यूज़ हो सकती हैं, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं भी जब कोई चीज़ लेती हूँ तो मेरे माइंड में यही होता है कि इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ बन सकती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब जैसे हम लोग यहाँ पे, हमें कोई हेल्प नहीं होती, पाकिस्तान में मैं थी तो हेल्पर आती थी, बहुत सारे काम हो जाते थे, और बाहर भी बहुत सारे काम हमारे हो जाते हैं। इंसान पाकिस्तान में तो यही होता है ना, बस पेमेंट करता है, पैसे देता है और कोई ना कोई हमें मिल जाता है, हमारा काम हो जाता है, या घर में रेगुलर हेल्पर आती है। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं होता, और मैं तो पाकिस्तान में भी अवेल करती थी, यहाँ भी करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि इंसान जब इतनी मेहनत करता है, जब कमाता है अपना इतना टाइम, इतनी एनर्जी, सब कुछ देता है इंसान, तो जब वो मेहनत करके अर्न करता है तो वो अपने आप को तो सबसे पहले जो है ना, वो आसानी दे, सहूलत दे, अदरवाइज़ फिर क्या फ़ायदा है। तो बस अल्लाह ताला सबको खुश रखे, मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबके घरों में आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुमा आमीन। अब आ जाते हैं व्लॉग की तरफ। तो ये देखें जी, मैंने इसी के अंदर फ्राइज़ ऐड कर दिए हैं। फ्राइज़ जो है ना, वो मैं इसलिए बना रही हूँ कि उस्मान को माशाल्लाह से बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको बॉयल कर लें। मैं तो आपको वैसे ये भी दिखा रही हूँ कि मैं इस पॉट में कर रही हूँ, और यहाँ पे बर्तन मैंने खुद ही वॉश करने होते हैं, डिश वॉशर होता नहीं है। और माशाल्लाह से आपको पता है कि कितनी ज़्यादा बरकत होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा बहुत जहाँ से वो बचा सकूँ ना, अपने आप को बचा लूँ, या एफ़र्ट मेरी कम लगे, लेकिन फिर भी ज़ाहिर हो जाती है। अच्छा ये देखें, दही मैं निकाल के रख रही हूँ ताकि रूम टेम्परेचर पर आ जाए, और दही की रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, इसके बारे में भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे स्टिल इंस्टाग्राम पे। कल मैंने दो चार देखे हैं मैसेजेस कि दही नहीं बनता, तो मेरी प्यारी बहनों आप लोग देखें, मैं शेयर कर चुकी हूँ, अभी आपको लिंक दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, मैंने इसमें आलू डाले हैं, और इसी स्टीम में चिकन भी बन रहा है, और ये जो आपको कलर चेंज नज़र आ रहा है ना, तो जो चिकन का थोड़ा बहुत पानी होता है या मसाला होता है वो इसमें जा रहा था, तो इससे एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आ गया है, दूसरा ये देखें मैंने थोड़े से बॉयल किए हैं, और बस उसके बाद मैं इसको रख दूंगी एयर फ्रायर में। आप इस स्टेज पे चाहें तो इसको पैन में भी रख सकते हैं, आप अगर चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं। अब ये देखें कितना फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, एयर फ्रायर में डायरेक्ट भी बन जाते हैं, इससे ये होगा कि देखें एक ही पॉट में मेरी दोनों चीज़ें बन गई हैं, और एयर फ्रायर में हार्डली ये 5 से 6 मिनट मैंने रखे थे, और ये बहुत ही मज़े के बने थे। इस तरह से अगर आप फ्राई करते हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, मसाला वगैरह जो आपको अच्छा लगता है आप डाल सकते हैं, और भी क्रिस्पी बनेंगे, लेकिन एयर फ्रायर में इसके अलावा भी बड़े अच्छे बन गए थे। अच्छा ये देखें, इसमें चिकन कितना अच्छा बना है, इसलिए मैंने ये स्टीमर के साथ लिया था, क्योंकि मुझे आइडिया था कि स्टीमर मेरे बहुत काम आने वाला है, तो इसलिए मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे इसके पे करके ना, ये मैंने जो लिया था शीन से लिया था, इसका लिंक भी दे दूंगी मैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, मैं सबके लिंक्स आपको दे दूंगी, शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं बता रही हूँ आप शीन पे भी देख सकते हैं, अमेज़ॉन पे है, टीमू पे भी है, तो हर जगह से आपको मिल जाता है, इवन दराज पे मैंने देखा है पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं, लेकिन अभी मुझे उसकी क्वालिटी का आइडिया नहीं है। अच्छा ये देखें, 5 से 6 मिनट हो गए, उसके बाद ये फ्राइज़ वाला मसाला मैं लेकर आई थी, तो ये मैं डाल रही हूँ जस्ट टेस्ट के लिए। आपके पास नमक है, काली मिर्च है, या ज़ीरा पाउडर, आप कुछ भी डाल के इन्जॉय करें, मैं तो ये लेकर आई थी, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है नई नई चीज़ें ट्राई करना, तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा ये देखें, चिकन का टाइम भी बहुत कम हो जाता है, आप उसके बाद इसको वैसे भी स्टीम चिकन इंजॉय कर सकते हैं, रोस्ट को आप इसको फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप इसको बेक कर लें,
आप इसको एयर फ्रायर में रख लें या पैन में भी बना लें, जैसे आपको अच्छा लगता है, अपनी सहूलत के मुताबिक बनाएं। तो बिरयानी है, साथ रायता था, और ये था हमारा आज रात का मज़ेदार सा डिनर, और साथ मैंने ड्रिंक्स भी रख ली थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।